यदि आप मोबाइल टेक्नोलॉजी इंटरनेट से संबंधित कोई भी वीडियो सबसे पहले और फ्री में पाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यदि आपको वीडियो के नीचे ऐसे लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब दिख रहा है तो उसको आप ऐसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में घंटी बनेगा उसको भी क्लिक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको काफी फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन हमारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप पूरा ऑल ओ ठीक है, आप कोई भी फोन का ऐसा चीज नहीं है जिसको आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सिक्योर ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने बच्चों पे नजर रख पाएंगे। अब वो आपके ऊपर है, आप किस पे नजर रखना चाहते हैं। इससे आपके पुराने से पुराने डिलीट हुए SMS भी वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा मेरा मुझे इसीलिए यही लगा, मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने कॉल लॉक्स, SMS और कई चीजें जो आपकी बहुत पहले डिलीट हो गई थी 2 महीना 3 महीना पहले, वो सब भी आपको इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपके सबसे पहले क्या करना होगा, अपने क्रोम ब्राउजर में जाइए, इसमें आपने टाइप करना है spyhuman.com, ठीक है। spyhuman.com जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, तो आप सेकंड इस पे ऐसे क्लिक करिए, spyhuman.com खुल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से डाउनलोड नाउ वर्जन 10.5 दिख रहा है यहाँ पे, आपने इस पे क्लिक करना है जस्ट वंस। मेरे पास ये एप्लीकेशन है तो फिर भी मैं आपके सामने डाउनलोड कर देता हूँ। रिप्लेस। तो दोस्तों इससे पहले आपने क्या करना है, अपने अननोन सोर्सेज को ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन कर दिया, ये देखिए डाउनलोड हो गया। अभी इसको ओपन करना है, ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने ऐसा दिख जाएगा, इसको आपने नॉर्मली ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा खुल जाएगा, अननोन सोर्सेज आपने पहले ही ऑन कर रखा है। उसके बाद आपने ऐसे 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 दबा देना है, अब इस पे डन कर देना है। डन कर दिए। अब देखिए अब इसमें जो जो चीजें बोल रहा है वो आपने अलाउ कर देना है, ठीक है। बोल रहा है क्या कि परमिशन दे दीजिए, तो सारों को गो टू सेटिंग, ये जो जो बोलता है ध्यान से पढ़ पढ़ के करिएगा दोस्तों। हो सकता है आपके फोन में मतलब ये सेटिंग वाला बाद में बोले, गो टू सेटिंग किया, ये यहाँ पे ये आपका नीचे यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे परमिशंस पे क्लिक करना है और ये सारे चीजों को ऑन कर देना, ठीक है। कैमरा भी आप उसका कैमरा भी यूज कर पाओगे, उसका कॉन्टेक्ट यूज कर पाओगे, उसका लोकेशन, माइक्रोफोन, फोन, SMS, स्टोरेज, पूरा धमाकेदार हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने चेक परमिशन करना है, अब यहाँ से भी सारी चीजें को ऑन कर देना, ठीक है। एक्टिव, ठीक है, एक्टिव कर देना है। एक्टिव पे क्लिक किया, उसके बाद इसको ऑन कर देना है। ये देखिए सिक्योर सर्विस, ये जो जो बोल रहा है ध्यान से करिएगा दोस्तों। हाँ, सिक्योर सर्विस को ऑन कर देना है, अलाउ कर देना है, फिर बैक जाना है, उसके बाद इस सर्विस को भी ऑन कर देना है, ठीक है। फिर इसमें ध्यान से देखना है सिक्योर सर्विस कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सब अपने आप खोल देगा आपके पास, आपको खाली थोड़ा सा पढ़ के और इसको ऑन कर देना है। ये जो ऑन कर दिया, फिर बैक चले जाइए। अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू दबाना है, ठीक है। तो जैसे ही सारी चीजों को परमिशन दे के आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। तो आपने ये क्या करना है, ये यहाँ पे आपने टिक कर देना है, टिक कर दिया, उसके बाद आपने एग्री पे क्लिक कर देना, ठीक है। एग्री पे क्लिक कर दिया, अब आपने यहाँ पे अपना डिवाइस नेम जो रखना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मतलब डाल दीजिए जिसका पूरा कहानी लेना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है।
ईमेल एड्रेस अपना डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटर पासवर्ड, अपना कोई भी पासवर्ड बना लेना है और डाल के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओह सॉरी, मोबाइल नंबर इसमें आप कोई भी डाल सकते हो दोस्तों, मतलब एक सिक्योरिटी के लिए होता है ये, अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। मैं लॉगिन करूंगा क्योंकि मैंने बना रखा है अपना अकाउंट, इंटरनेट में ऑफ कर रखा था ना, लॉगिन कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या इनेबल करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, उसके मोबाइल में इनेबल करना है भाई, हमको सब कुछ चाहिए। तो आपने इनेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों ये क्या होगा, ऐप थोड़ी देर में अपने आप गायब हो जाएगी। ये देखिए, ये है ना सिक्योर सर्विस, यहाँ पे ये देखिए, हाँ गायब हो गई ना अपने आप, ये अपने आप गायब हो गई है। मैं उंगली लगाया आपको दिखाने के लिए ताकि आपको टच शो से पता चल जाए। अब इस मोबाइल में वो ऐप नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लो। देखो मैं सर्च में भी डाल के देखता हूँ आपको दिखाने के लिए, मेरे को तो पता है सिक्योर सर्विस नहीं, कोई एप्लीकेशन ही नहीं, वो हाइड हो गई दोस्तों, हाइड हो गई। अब इस मोबाइल में कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आप उसको मोबाइल दे दीजिए, उसको बोलिए भाई तेरे मोबाइल का वायरस निकाल, उसकी कहानी खत्म। अब आप अपने लैपटॉप पीसी या अपने मोबाइल में कहीं से भी बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि यदि मोबाइल में, मैं आपको मोबाइल में ही दिखा रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप पीसी में तो बहुत आसानी से हो जाता है, मोबाइल में थोड़ा पेचीदा काम होता है। तो आप मोबाइल में क्रोम में जाइए, सर्च हो रखा है, क्रोम में गए, उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है spyhuman.com, spyhuman.com करके क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर दिया फर्स्ट लिंक पे, उसके बाद आपके पास ऐसा खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपने डेस्कटॉप साइट ले लेना है, ऊपर से रिक्वेस्ट करके टिक करोगे तो आपके पास डेस्कटॉप साइट आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब आपने क्या करना है, लॉग इन करना है। यहाँ पे दिख रहा है लॉग इन रजिस्टर, मेन चीज अभी बताऊंगा आपको, उसके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल भी करना पड़ेगा कभी हो सकता है जरूरत हो जाए। ये तीन डंडी पे क्लिक कीजिए, ये देखिए लॉग इन एंड रजिस्टर आ गया। यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो आपने वहां पे ठोक की थी उनके मोबाइल में, जिनका मोबाइल आपने हैक करना है। दोस्तों एक चीज बताना मैं भूल गया, जो आपने ईमेल आईडी उसमें अपनी डाली थी, जिसका मोबाइल आप हैक कर रहे हो उसमें आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है और फोन नंबर भी अपना डालना है। वो एसएमएस और पूरा एक्सेस करेगा उस मोबाइल में, जो जो सिम रहेगा उसका पूरा एसएमएस उस मोबाइल से, कभी भी कितने भी एसएमएस गए हैं सबको एक्सेस कर लेगा दोस्तों, और कॉल लॉग्स भी पूरे एक्सेस कर लेगा, चाहे कितना भी सिम बदली हुआ हो सबका। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इसका कि उस मोबाइल से आज तक जितने भी एसएमएस गए हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। ये आप अपने पे भी ट्राई कर सकते हो, आप अपना पुराना एसएमएस कोई डिलीट हुआ वापस पाना चाहते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों। तो ये बहुत ही बैकअप समझ लीजिए है, तगड़ा बैकअप। आपने क्या करना है, जो ईमेल आईडी वहां पे डाली थी ना उस पे क्या होता है, वेरिफिकेशन एक कोड आता है, ये देखिए आप यहाँ लॉगिन करेंगे ना तो वो बोलेगा कि पहले आप वेरिफिकेशन करिए। तो आपने क्या करना है, अपना जीमेल में जाना है, जीमेल में गया, वहां पे आपकी ईमेल आई हुई हो, ये देखिए मेरा तीन ईमेल आया, मुझे पता नहीं चला शुरू में, मैं क्या बार बार रिट्राई मारता रहा हाँ, तो ये क्या हुआ तीन जीमेल आए हुए हैं। तो आपने इस पे जीमेल पे क्लिक करना है, ईमेल पे, और ये देखिए क्या बोलता है, वेरीफाई योर ईमेल, वेरीफाई योर ईमेल पे क्लिक कर देना है। क्रोम ब्राउजर में जाना है जस्ट वंस करके, और यहाँ पे देखिए मेरा लिख रहा है ना ऑलरेडी वेरीफाई, तो आपको एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना नॉर्मल
क्रोम ब्राउजर में जाइए और अपना यूजर नेम और पासवर्ड भर देना है। तो हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी मतलब जो उस मोबाइल में भरी थी, भर दिया है और पासवर्ड, और आपने ये लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए लॉगिन हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अब आप ऐसे भी देख सकते हैं लेकिन आप डेस्कटॉप साइट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर तीन बिंदी पे क्लिक करके और ये डेस्कटॉप साइट पे रिक्वेस्ट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में मुश्किल से 3 या 4 SMS हैं, और ये यहाँ देखिए भाई 75 SMS दिखा रहा है। मतलब मेरा ये मोबाइल रीसेट मारने के बाद जितने भी SMS आए थे सबका रिकॉर्ड निकाल दिया। कॉल लॉग्स 500, वाह। मैं हमेशा कॉल लॉग्स को डिलीट करता रहता हूँ, रीसेट रखता हूँ, और ये 500 कॉल लॉग दिखा रहा है। आज तक जितने भी कॉल किए हैं दोस्तों सब दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी डिटेल है। आप इससे मतलब जैसे होता है ना, ये देखिए नीचे क्या क्या, मतलब पूरा चीज आपको दिखा देगा ये। ये देखिए पूरा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, और इसमें भी कई चीज़ें आपको दिख रही होंगी, लोकेशन भी देख सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपने क्या करना है, ये आपको ऊपर दाहिने कोने में 3 बिंदी दिख रही है, 3 बिंदी पे क्लिक करना है, 3 बिंदी पे क्लिक कर, सॉरी 3 लाइनें हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सारा कुछ निकल गया, सारा कुछ। ये देखिए कितनी चीजें हैं, पूरा आप देख सकते हैं उसका फाइल एक्सप्लोरर, फोटो एंड इमेज, फोटो एंड इमेज पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए बैकअप ऑल इमेज, ये पुराने डिलीट किए हुए इमेज भी ले आएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं इसलिए दिखा नहीं रहा। तो इससे मेन फायदा मेरे को ये लगा दोस्तों कि जैसे होता है ना कि भाई किसी ने मोबाइल अपना सारा मैसेज मुझे डिलीट कर दिया, तो उसका बैकअप ले सकते हैं इससे। देखिए 500 कॉल लॉग्स, 75 SMS, तो बाकी चीजें आप खुद ही देख लीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा। तो मैं पूरा बनाऊंगा तो आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो दूसरा दोस्तों एक चीज और बताते चलता हूँ। हाँ, इसमें दोस्तों कई चीजों के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एयरड्रॉइड में था ना कि तकरीबन लगभग 98% चीजें फ्री थी लाइफ टाइम, लेकिन इसमें लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलेगी आपको। इसमें लाइफ टाइम फ्री कॉल लॉक्स और SMS वगैरह भी नहीं मिलेंगे। कुछ दिनों बाद ये मतलब पेड हो जाएंगे, कुछ दिनों तक फ्री रहेगा और उसके बाद पेड हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए सारे नंबरों का डिटेल दिखा रहा है, कब क्या हुआ है कहानी। तो पेड हो जाएगा, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, तब आप इसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन मेन फायदा इसका यही है कि आप पुराने डिलीट हुए भी ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी खुशी मिली होगी और काफ़ी फायदा होगा इन दोनों वीडियो से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि आप सभी हर क्षेत्र